और मैंने लगाई हुई थी कल मेहंदी हरी वाली, इसकी वजह से बाल की लग गई है बॉट। देखो कितनी खुश है पिटके भी। आलसी होगी तो चिबड़ लोगी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पर चढ़ाते जाओ। हम नहीं हटाते जाते। उसको अपनी शकल नहीं दिखानी होती इसीलिए छुपा रहा है। चलिए फिर मॉर्निंग शो से कल आधा बड़क मैं पम्मी और फ्रेश का स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हमारा सैंडविच तो सिक रहा है और साथ में चाय भी हो रही है सबके लिए है। हालांकि भैया बह जा चुके हैं और आकाश और रचित अभी सो रहे हैं और आपको दिखाती हूँ यहाँ पर दीदी। अभी इन लोग को जाना भी है कहीं कहाँ जाना बीच में नहीं बोलेंगे। अभी गई हुई है मंदिर, मम्मी गई है गाय को रोटी देने, रोटी मैंने बना दी। तो चलिए वीडियो में बने रहेगा, हम आपको दिखाते हैं आज के दिन हम क्या करते हैं। और मैंने लगाई हुई थी कल मेहंदी हरी वाली, इसकी वजह से बाल की लग गई है बॉट, बिल्कुल करने का मन नहीं करता। फाइनली आ गया हमारा सैंडविच और इसमें कुछ ज्यादा लाल दिख रहे हैं क्योंकि मैं भरने में मुझे टाइम लग रहा था इसकी वजह से। ये मेरे और दीदी के हैं और मम्मी भी खा रही है। इसके बाद इन लोग को निकलना है हॉस्पिटल के लिए। आकाश अभी जगह नहीं है, आकाश को भी चाय पीनी नहीं था। और इतनी सारी भरती, देखिए कितनी भरती है चाय। सैंडविच के संग तो अच्छी खाने का कुछ पता नहीं है जब अभी बात हमारा फोकस इसी पे। और वैसे हम लोगों ने इस टेस्ट भी कर दिया अच्छा बहुत तेज। कैसा बना आप बताइए? हम लोगों ने किचन में ही टेस्ट कर लिया था। दीदी अभी जा रही है दवा लेने के लिए है। एक्चुअली मम्मी को हर महीने सीजीएचएस से कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, इसके अलावा जो भी टेस्ट होता है तो वो वहीं पर होता है। तो मम्मी वहीं जा रही थी और साथ में दीदी जा रही थी। दीदी जब भी आती हैं तो हमारा ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। और फाइनली मम्मी लोग जा चुके हैं और मैं यहाँ पर आई थी। एक्चुअली बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, मुझे लगा चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं हमारा मौसम। एक्चुअली जब दीदी लोग गई थी तो मौसम यहाँ पर कहते हैं ना पूरा धूप वगैरह थी और अब देखिए थोड़ी सी ही बारिश हुई है लेकिन यहाँ पर पूरा गीला है। लेकिन मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं की है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शोर भी हो रहा था। एक्चुअली पीछे की तरफ जो हॉस्टल है वहाँ पर काफ़ी शोर हो रहा था क्योंकि वहाँ पर वेल्डिंग वगैरह का कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से मैंने वॉइस ओवर वहाँ पर नहीं की है और बाद में इसमें वॉइस दे रही हूँ मैं। हालाँकि ऐसा मौसम हमारे यहाँ सिर्फ कुछ देर के लिए था, इसके बाद थोड़ी देर में ही यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी और आपको पता है जब बारिश होती है उसके बाद कैसा मौसम हो जाता है। अब हम चलते हैं कमरे में। और वैसे आपको बता दूं भले बारिश हुई है लेकिन अभी भी बहुत गर्मी है, काफ़ी गर्मी हो रही है। अभी मम्मी लोग को तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, कितने बजे तक आते हैं। अभी हम इनको कॉल करके भी पूछ लेते हैं कि कितनी देर लगेगी इनको। अभी दीदी से मेरी बात हुई थी तो इन लोग को आने में बस थोड़ा सा ही टाइम है तो मैं सोच रही हूँ खाने की मैं तैयारी कर लूँ क्योंकि आके ये लोग कुछ खाएंगे ही। उस टाइम हमारा जल्दी नाश्ता हो गया था 10:30 बजे और अब 1:30 बज रहा है। बच्चों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है तो वो पहले नाश्ता करेंगे। वैसे वो लोग आलू टमाटर खाते नहीं है इसलिए मैं सिर्फ अपने 3-4 लोगों के लिए बनानी है तो आलू टमाटर बना लें क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी और जैसा भी वो आपको दिखाती हूँ। और ये फाइनली आ गया हमारा खाना, आलू टमाटर की सब्जी मैंने अभी बनाई थी वो मेरे से गिर गए थे। और ये हमारी रोटी, थोड़े से मेरे चावल। और मम्मी लोग भी अभी कितने बजे आई हैं? 3:15 बजे है, 3:15 बजे हो रहा है हमारा खाना। कैसा बना खाना? सही लग रहा है। और ये लोग, इन लोगों को खाना नहीं है, ये लोग अभी थोड़ी देर पहले सैंडविच खाए थे तो इन लोगों को भूख है नहीं तो मैंने आलू टमाटर की सब्जी बना दी क्योंकि ये लोग खाते नहीं है। और शाम के लिए हमने गला दिया है रात में तो मैं ज्यादा सोचना जो बोलता है जो नहीं खाता वो नहीं होता है, नहीं जो नहीं बोल जो खाता नहीं है वो नहीं होता। पिछले वीडियो में आप लोगों ने फेस मेकअप देखा, पानी पीना भी जल्दी है। ये देखो कंजर लोग आ गए, वीडियो भी नहीं बनाने देते। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने फेस मेकअप देखा था, अब देखेंगे फुल मेकअप। पम्मी बहन कर रही है अपना पैरों का मेकअप जिसके लिए इतनी आलसी है कि नेल पॉलिश भी नहीं छुड़ाई उसने। और देखिए उसी के ऊपर चुपड़े ले रही थी।
प्रूफ दिखाओ। प्रूफ कहाँ है? प्रूफ डिब्बी में बंद है। वो तो तुम्हारे होता है। क्या कि प्रूफ दिखाओ कि हमने ऐसे ही लगा रहे थे? हाँ तो दिख तो रहा है कि इसी के ऊपर चुपड़ ले रही थी वो तो हमने जबरदस्ती। प्रूफ ये है कि यहाँ नाखून गड़ा होगा। देखो हमने मारा नहीं था, सही बोल रहा हूँ, मारा नहीं था, हम इसके नेल पॉलिश हटा रहे थे तो गलती से लग गया था। आलसियों के काम ऐसे ही मारती है, दिन भर मारती रहती है, दिन भर बेचारा मारते रहते हैं। देखो कितनी खुश है पिटके भी। आवाज बंद करो ताकि हम अपनी आवाज निकाले। ये देखिए छुपा क्यों रही हो? अब सही लग रही है नेल पॉलिश? बड़ा तरीके से काम कौन काम वालों की तरह आलसियों की तरह चिपड़ लोगी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पर चढ़ाते जाओ। हम नहीं हटाते जल्दी। हाँ जल्दी नहीं है, आलसी हो ना। ठीक है, पर डबल कोट करना, कलर फीका आ रहा है। सही आ रही है। क्यों आ रही है? पता नहीं, हमने तो वही हटाया था। अंगूठा की जगह पैर की उंगली तो नहीं चूस ली है? लाल पड़ रही है, लग रहा है जैसे शाइनिंग आ गई। देखो नहीं, वो नेल पॉलिश चढ़ाई ना उसकी वजह से। सही है। अब हाथ हाथ भी है सजा लो। पहले नील पहले छुड़ा लेना। छुड़ा लिया, अब जितनी छुट्टी नहीं छुट गई। अभी और रखा है ना, जब जैसे जरूरत नहीं ना। अभी हम इसका वो कर रहे हैं ना ऐड। hours later और अब फाइनली हो रहा है हमारा शाम के टाइम। और शाम के लिए मैंने गलाया हुआ था राजमा, जो कि मैंने मॉर्निंग में ही गला दिया था। तो बस मैं शाम के टाइम अब जा रही हूँ राजमा की सब्जी को छौंकने के लिए। और यहाँ पर दीदी ही मेरी रिकॉर्डिंग कर रही थी। और ये राजमा की सब्जी मैंने इसलिए बना रही थी क्योंकि यहाँ पर सबको ठीक लगती है। भैया हालांकि थोड़ा बहुत चिल्लाते लेकिन एक बार वो खा लेते हैं, रचित वगैरह सब खा लेते हैं, और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे लगा ऐसी कोई सब्जी बनाई जाए जो सब लोग खा लें, क्योंकि नॉर्मली आलू टमाटर वगैरह इस तरह की सब्जी है जो बच्चे नहीं खाते। और अगर हम पराठे बनाते हैं तो वो मम्मी को ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, जैसे हमारे आलू पराठे हो गए। तो मुझे लगा ऐसा कुछ खाना बनाए जो सब लोग खा लें, तो इसलिए मैं राजमा की सब्जी बनाने जा रही थी। और वो काफ़ी हेल्दी भी होती है। तो वहाँ से मैं बाहर से पैदल ही आ रही थी और दीदी भी साथ में मिल कर रही थी रिकॉर्डिंग। और यहाँ से जितना भी कहते ना जो ज़रूरी का सामान है वो मैं यहीं से निकाल लूँगी ड्रॉर से। और जितने भी मेरे नए फ्रेंड्स वगैरह आए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूँ, मैं अपना जो भी काम होता है मैं इसी तरह से करती हूँ। कभी अपनी बैसाखी से जाके, कभी अपनी व्हील चेयर से जाके, क्योंकि व्हील चेयर हमारी हर जगह जा नहीं सकती तो मैं बैसाखी के थ्रू ही जाती हूँ। जैसे हमारा किचन वाला पोर्शन हो गया, हमारा पूजा घर हो गया, इस तरह की जगह पर। और जो हमारा प्लेन सर्विस होता है बस वहाँ पर मैं अपनी व्हील चेयर का यूज़ करती हूँ। और भैया लोग एक्चुअली इस समय गए हुए थे मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी तो मिर्चा मुझे कम लग रही थी और भैया लोग को आने में काफ़ी टाइम था। तो मुझे लगा चलिए हम जो हमारी सूखी मिर्चा है उसी को ले लें। मैंने उसी को यूज़ किया और दीदी यहाँ पर देख रही थी मेरी क्लेचर, क्योंकि मैंने दो यूज़ की हुई थी। नॉर्मली मैं एक ही लगाती हूँ तो मजाक उड़ा रही थी मेरा कि बताओ दो क्लेचर कौन लगाता है। और यहाँ पर देखिए मेरी सब्जी जो है वो चुक चुकी है। और 5 से 10 मिनट बाद ही भैया लोग आए थे। जब तक भैया लोग आए थे तब तक हमारी जो राजमा है वो बन चुका था। और ये देखिए हमारी फाइनली राजमा की सब्जी तैयार है और ये काफ़ी अच्छी लगी थी, सबको काफ़ी पसंद आई थी। रचित और आकाश वगैरह सबको काफ़ी अच्छी लगी। और इसके बाद फिर से हम निकल लिए हैं बाहर के लिए। और यहाँ पर भाभी ने चावल चढ़ा दिए थे, मैंने सिर्फ राजमा बनाया था क्योंकि इस समय भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। यहाँ 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, हालांकि जितनी बारिश हो रही है उससे ज़्यादा उमस भी पड़ती जा रही है। इससे पहले किसी ने मुझे एक्चुअली कमेंट करके पूछा भी था कि आपके यहाँ बारिश का क्या हाल है, सॉरी कमेंट करके नहीं लाइव में पूछा था। तो उस टाइम तो हमारे बारिश नहीं हो रही थी लेकिन इस समय काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है और उसके साथ ही गर्मी भी हमारी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और उमस कहते हैं इस समय काफ़ी हो रही है। आप मेरी टी शर्ट देख सकते हैं पीछे से पूरी गीली हो रही है। और बाहर का मौसम थोड़ा सा अभी इस समय सही था तो मुझे लगा चलिए हम बाहर ही चलते हैं। और यहाँ पर मेरी जो कैमरामैन है वो दीदी ही हैं। और बच्चों को हम लोग बुला रहे थे लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं थे तो हम तीनों लोग ही आके बाहर बैठ गए हैं। यहाँ मम्मी मैं और दीदी ही साथ में बैठे थे क्योंकि भैया वगैरह अंदर थे इस समय, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। तो यहाँ पर फाइनली आ चुका है हमारा खाना। ये मैंने राजमे की सब्जी बनाई थी, अभी बस रोटी वगैरह हो गई, रोटी हो गई है, हमारा चावल है और हमारे सैलेड है। और इनको तो अपना शॉर्ट देखते में ही फुर्सत नहीं है। हेलो, ये हो गया है हमारा खाना, हो जाएगा। और इसी के साथ ही मैं अपने आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ। आकाश अच्छा लगा खाना? इसको अपने चेहरा नहीं दिखाना, चलो
हाथ से तेरे सारे करके बताओ। गोवे उसको अपनी सकल नहीं दिखा रही इसीलिए छुपा रहा है। चलिए अपने आज के वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ, 8:30 हमारा बज रहा है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं नए वीडियो। बाय 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 बाय। सन्नाटा एक बार ठीक करो। सन्नाटा सन्नाटा।